रूस अपनी सैन्य क्षमता को और बढ़ाने के लिए युद्ध अभ्यास करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बावजूद देश पूर्वी हिस्सों में वृहत पैमाने पर सैन्य अभ्यास करेगा। इस बीच यूक्रेन के खेरसान में शुक्रवार देर रात कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रूस की ओर से नियुक्त खेरसान के गवर्नर स्ट्रोमोसोव ने कहा कि यहां हालात बिगड़ने वाले हैं। यूक्रेन के खेरसान प्रांत के रूस अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह अमृतसर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर सीधा ब्यास स्थित डेरा राधा स्वामी पे लैंड हुआ, जहां उनका स्वागत खुद डेरा मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने किया। प्रधानमंत्री के डेरा राधा स्वामी में आने के बाद चर्चाएं हैं कि डेरा अनुयायियों के वोट को भाजपा अपने पक्ष में करना चाहती है। कांग्रेस ने शुक्रवार देर रात गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी डिजिटल माध्यम से जुड़ी। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक जूता फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौजूद हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। चेन्नई के NSC बोस रोड इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। दमकल की टीम ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 1000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 1082 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1580 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 7 व्यक्ति की मौत भी हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 63,73,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 65,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.92 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ही दुनिया भर में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। ट्विटर के कुल 7,500 स्टाफ में से करीब आधे को निकाल दिया गया है। भारत में ट्विटर के 200 से ज्यादा कर्मचारियों में से ज्यादातर को निकाल दिया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने मैच फिक्सिंग से जुड़े सवाल में IPS अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने संपत पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। जहरीली हवा से दिल्ली में लोगों की सांसें फिर उखड़ने लगी हैं। यहाँ AQI 445 तक पहुंच चुका है। AQI हवा की क्वालिटी मापने का पैमाना है, जिसे बेहद गंभीर कैटेगरी में माना जाता है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं।